उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक के मामलों में विपक्ष ने सरकार पे करारा जवाब किया है, करारा सवाल भी किया है। विपक्ष में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्तियों में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। दरोगा भर्ती में पेपर लीक का मामला इन्होंने उठाया है, UPPCL में पेपर लीक का मामला उठाया है, UPSC लोअर सबऑर्डिनेट में पेपर लीक का मामला उठाया है, ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी मामला लीक का उठाया है, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस में गलत पर्चे बांटने का मामला उठाया गया है, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली का मामला उठाया गया है, प्राइमरी स्कूल सहायक भर्ती में रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लगे हैं, UPSSC PET में पेपर लीक का मामला उठाया गया है, UPTET फॉरेस्ट गार्ड ये दोनों का पेपर लीक परीक्षा रद्द का मामला, और उसके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों का। तो क्या कहना है सरकार का, विपक्षी सरकार विपक्ष का, देखते हैं। लीक हुए पेपर यार, क्या देखिए वो बजट की बात है, लेकिन अगर आप बजट में देखोगे, बजट में क्या इंतजाम है, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए? पूरे मिली भगत थी सबकी, जो इंस्टीट्यूशन में जहां पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी इंस्टीट्यूशन, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। बताइए SI की भर्ती में लोगों ने कम समय में सब क्वेश्चन कर दिए, वो बात तो सामने आ गई, हो जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके। आप बताइए दरोगा भर्ती पेपर लीक, UPPCL की भर्ती पेपर लीक, UPSSC के लोअर सबऑर्डिनेट की पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस की पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक के रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, UPSSC में जो पेपर लीक, UPTET पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द, कितने लीक हुए, कितने पेपर आउट हुए, इसका कोई जवाब सदन नेताजी के पास नहीं है।